एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ जेक्वेरी बिगिनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हैज़ एंड इज़ मेथड्स जो जेक्वेरी में होते हैं। तो हैज़ और इज़ मेथड के को आपको पढ़ के ही समझ आ गया होगा कि हैज़ जो है बेसिकली जो चाइल्ड होते हैं एक एलिमेंट के उनके ऊपर वर्क करता है, और इज़ जो है बेसिकली अपने पेरेंट के ऊपर वर्क करेगा। तो इनको प्रैक्टिकली देखते हैं, अपने कोड एडिटर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अभी एक ये मार्कअप HTML का, जिसमें हमारे पास ये एक दो पैराग्राफ हैं इस बॉक्स में, जिसमें एक हमने बोल्ड का टैग, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर हमने कुछ एक दो स्पैन के टैग यूज़ किए हुए हैं एज अ चाइल्ड इन पैराग्राफ के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है हैज़ मेथड को देखेंगे कैसे वर्क करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी को एज अ सेलेक्टर ले लेते हैं और हैज़ मेथड को अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो उससे पहले हम जो है इस पर एक बैकग्राउंड इफ़ेक्ट लगा लेते हैं, जैसे कि हमने ग्रे एक यूज़ कर रहे हैं हम। तो हैज़ मेथड में बेसिकली आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये कोई दो स्पैन के चाइल्ड एलिमेंट्स हैं पैराग्राफ के अंदर, और इसमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग का एक जो है चाइल्ड मेथड है, सॉरी चाइल्ड एलिमेंट है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखेंगे तो देखें, स्पैन स्ट्रॉन्ग लिखने से हमारे पास क्या होगा कि जो बाकी इनमें तो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये स्ट्रॉन्ग वाले पैराग्राफ को बोल्ड कर देगा, और ये बोल्ड वाले को, सॉरी, बैकग्राउंड इसका ग्रे कर देगा। तो अगर हम इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल स्पैन लिखते हैं, तो हम रिफ़्रेश करते हैं, तो ये क्या करेगा, इन दोनों में स्पैन मौजूद था तो इसने स्पैन वाले दोनों एलिमेंट्स को टारगेट कर दिया है। लेकिन अगर हम इसको कहते हैं कि आपने वो वाला एलिमेंट पी में सेलेक्ट करना है जिसके ऊपर क्लास जो है वो टेस्ट हो, तो ये देखें इसने एलिमेंट को किया है, इसने जो है ये देखें इस टेस्ट वाले एलिमेंट को देखा है, इसने पैराग्राफ को नहीं किया। बेसिकली ऐसे ही ये वर्क करता है कि अगर आप स्पैन की क्लास दे रहे हैं तो ये देखें इसमें भी टेस्ट मौजूद है, इसमें भी टेस्ट मौजूद है, तो ये आप ऐसे ही वर्क करेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम अगर जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है इज़ मेथड, तो वो बेसिकली पेरेंट को देखता है कि पेरेंट उसका क्या है। अगर वो पेरेंट जो हम बता रहे हैं वो मौजूद है तो भी ये CSS अप्लाई करने वाला है। तो इसको हम देखते हैं, क्योंकि देखें जिस तरह हमने लास्ट स्ट्रॉन्ग को देखा था, तो स्ट्रॉन्ग उसने जब किया था चेक के स्ट्रॉन्ग मौजूद है, तो स्ट्रॉन्ग वाली को पैराग्राफ को उसने जो है सिलेक्ट कर दिया था। तो इसी तरह यहाँ पे टेस्ट क्लास हमने कहा, तो ये देखें टेस्ट यहाँ पर थी, तो उसने क्या किया, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको रिमूव करके देखते हैं तो भी ये वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने पेरेंट को टारगेट नहीं किया, इसने इसको देखते हुए पैराग्राफ को बैकग्राउंड ग्रे कर दिया। तो इस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि वो कैसे वर्क करता है, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इज़ मेथड है, हम उसको देखने के लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, अगर हमने इसको समझना है पैराग्राफ को यूज़ करते हुए, या कोई भी एलिमेंट हम अगर यूज़ करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक जो है पैराग्राफ ये मौजूद है, तो इसके जो पेरेंट है वो div है, ठीक है। तो अगर बाकी जो पैराग्राफ्स हैं इनका जो पेरेंट है वो बॉडी है, जो बाहर हमारे पास इस div के सिबलिंग्स हैं H3, और ये वाली div है H3 है, पैराग्राफ दो है, उसके बाद स्क्रिप्ट है। खैर वो तो स्क्रिप्ट तो नहीं हम देखेंगे, तो वो तो एक सोर्स है जो हम इंक्लूड कर रहे हैं jQuery को यूज़ करने के लिए अपने प्रोजेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है पहले सेलेक्टर लगा लेते हैं, कि अगर जो हमारे पास पैराग्राफ है तो उसको उसका पेरेंट जो है हमारा क्या उसमें इज़ लगा कर हम देखेंगे कि वो div है। तो अगर तो है तो हम इसको कंसोल करते हैं, इसको हम बेहतर तरीके से समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कैसे, अगर ये क्या आउटपुट दे रहा है हमें। तो कंसोल में चलते हैं, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखेंगे ट्रू हमें यहाँ पे दे रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो है हमारे पास वो मौजूद है, हमारा मतलब इसका जो div एलिमेंट है ये पैराग्राफ वो मौजूद है हमारे पास। तो अगर नहीं होगा तो वो क्या करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूवल कर देते हैं, तो देखें इसने फॉल्स हमें रिटर्न कर दिया।
तो ये बेसिकली आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू देगा, जिसको यूज़ करके हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक सेलेक्टर ले लेते हैं पी का, और हम इस पर क्लिक इवेंट परफॉर्म करते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो अगर ये क्लिक होता है तो हम चेक करेंगे, अगर ये मौजूद है, ट्रू है, तो कंसोल करो हमें ट्रू। तो जिस पे भी हम क्लिक करेंगे अगर उस पे मौजूद हुआ तो वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, वरना नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा डिव जो है इसके ऊपर, नीचे वालों के ऊपर तो वर्क नहीं करना चाहिए, देखें इस पे तो वर्क नहीं करना चाहिए इसको, और यहाँ पर अगर करते हैं तो भी ये ट्रू कर रहा है। तो पी बेसिकली वो कोई भी देख रहा है, अगर किसी भी पी एलिमेंट का है जो अगर डिव उसका पेरेंट, तो वो वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पर इसने उसको नहीं किया। तो अगर हम फॉर एग्जांपल H3 कर लेते हैं, तो H3 हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है, हम इसको H4 करके देख लेते हैं ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो ये देखें, अब अगर हम इस H4 पे क्लिक करते हैं तो ये हमें कोई आउटपुट नहीं दे रहा, क्योंकि इसका जो है इस H4 का ऊपर कोई एलिमेंट डिव नहीं है, पेरेंट डिव नहीं है SH4 का, इसका पेरेंट जो है वो बॉडी है। तो जो हमारे पास ये देख रहा था तो उसको बेसिकली ये ऐसे काम करेगा इस पर, लेकिन हमें फॉर एग्जांपल पी से ही करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम यूज़ करेंगे दिस जो हमने अब लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अब देखें, मैं इस पर अब क्लिक कर रहा हूँ तो ये वर्क नहीं कर रहा, तो अगर हम पी करते तो वो फर्स्ट ऊपर वाले को ही ले रहा था, तो इसलिए अब ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो पी सेलेक्ट किया है उसी के पेरेंट को ये देखेगा कि उसमें डिव मौजूद है कि नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें तो नहीं थी, हम इन दोनों पे क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा, तो इस पे भी करेंगे नहीं होगा, ये पी तो है ही नहीं है। तो अगर इस पे करते हैं तो फिर देखें हमें ट्रू ये रिटर्न कर रहा है, इस पे कर रहे हैं तो भी कर रहा है, क्योंकि इन दोनों पी का जो पेरेंट है वो डिव है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर कंसोल करने के बजाय हम यहाँ पर CSS जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, या कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें तो वो कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारा जो दिस है इसकी CSS आप कर दें बैकग्राउंड ग्रे, जिसका पेरेंट डिव होगा उसका ये बैकग्राउंड, ये देखें यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा, ये देखें इस पर क्लिक किया इसका बैकग्राउंड ग्रे हो गया, इस पर क्लिक किया इसका बैकग्राउंड ग्रे हो गया। तो इस तरह बेसिकली ये वर्क करता है। अब ये जो आपका हैज़ मेथड था हमारा, जो हमने कमेंट किया हुआ है, ये बेसिकली एलिमेंट के अंदर देख रहा होता था। तो जो इज़ मेथड है हमारा, बेसिकली ये अपने पेरेंट को देख रहा होता है कि पेरेंट जो है अगर ये मौजूद है तो हमने जो आगे, तो ये ट्रू आपको वैल्यू रिटर्न करेगा या फॉल्स करेगा रिटर्न, तो उसके हिसाब से आपने अपना जो भी ऑपरेशन है परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। और इस कोर्स को अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा से कोई आपको वीडियो या आपको गाइड प्रोवाइड कर दूँ जिसके थ्रू आपको मज़ीद समझ आ सके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको डिटेल में समझाऊँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके और आसानी से समझ आ सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस कोर्स को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं।